आप लोगों को वनहारी का पार्ट नंबर 3 है जो कि 15वां सवाल है। आज हम 15वें सवाल से शुरू कर रहे हैं, कल 14 का होगा। पहला सवाल है 1 + 6 + 8 + 9 जिसमें से हम एक एक करके इनको तोड़ेंगे। सबसे पहला नंबर 1/1 + √2, इसमें हम संयुग्मी गुणा करेंगे तो संयुग्मी गुणा होगा 1 - √2 / 1 - √2। तो एक के साथ गुणा कर देंगे तो 1 - √2 / 1² - √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का भागफल कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1 - √2 / 1 - 2, 1 - √2 / -1, चिन्ह बदल देंगे माइनस एक का भाग दे देंगे तो √2 - 1। तो इस प्रकार से हमने पहले को तोड़ लिया। दूसरे को तोड़ना है 1 / √2 + √3, इसमें भी संयुग्मी गुणा करेंगे √2 - √3 का, तो एक का गुणा करेंगे तो √2 - √3 / √2² - √3² बराबर आ जाएगा √2 - √3 = 2 - 3 बराबर √2 - √3 / -1 - 1 का भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा √3 - √2। अब जैसे कि आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे कि जो हम संयुग्मी गुणा कर रहे हैं, संयुग्मी गुणा करने के बाद जो संख्या का आंसर आ रहा है वो ठीक इसके अपोजिट चिन्ह और संख्या पलट के आ रहा है। √2 - 1 इसका आया √3 - 2, इसका आएगा √4 - 3, इसका आएगा √5 - 4, इस क्रम से इनको रखते चले जाएंगे। जैसे कि अगला है 1/√3 + √4, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √4 - √3। इसके बाद अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/√4 + √5 का आंसर आ जाएगा √5 - √4। 1/√5 + √6 का आंसर आ जाएगा √6 - √5। इसके बाद 1/√6 + √7 का आंसर आ जाएगा √7 - √6। 1/√7 + √8 का आंसर आएगा √8 - √7। 1/√8 + √9 का आंसर आएगा √9 - √8। तो इस प्रकार से पहले वाले का आंसर आया √2 - 1, √3 - √2, √4 - √3, √5 - √4, √6 - √5। जिस प्रकार से हमने पहले और दूसरी लाइन को सॉल्व किया है इसी प्रकार से इसको सॉल्व करके हमें रखना है। रखने के बाद फिर इसके बाद सवाल लिखेंगे जिसमें से ये पहले पद का आंसर आया था √2 - 1, ब्रैकेट में लिखना लिखना चाहो तो डाले, चूंकि प्लस का चिन्ह है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दूसरे वाले का आंसर आया √3 - √2, प्लस इस वाले का आंसर आया √4 - √3, इस वाले का आया √5 - √4, और इस वाले का आया √6 - √5, और इस वाले का √7 - √6, इसके बाद √8 - √7, प्लस √9 - √8। इस प्रकार से हम इनके सबके मान निकाल लेंगे और जिस क्रम में हमारा सवाल लेगा उसी क्रम में उनके आंसर को रख देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या करता है। तो सबसे पहले √2 ये प्लस के हैं, ये माइनस के, √3 ये प्लस के, ये माइनस के, √4 ये प्लस के और ये माइनस के, √5 ये प्लस के, ये माइनस के, √6 ये प्लस के, ये माइनस के,
अंडर रूट 7 प्लस के और ये माइनस के, अंडर रूट 8 ये प्लस के, अंडर रूट 8 ये माइनस के। अब हमारे पास बचा केवल माइनस का 1 और बचा प्लस के अंडर रूट 9। जैसे आपको पता है कि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो माइनस 1 प्लस 3 बराबर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 16 नंबर x का मान दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारी वैल्यू दे रखी है x की, और हमें x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस 1 बटे x बराबर x की वैल्यू रखते हैं इस x की, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे इस x की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये मेन बटे है, मेन बटे के नीचे दो संख्या है, दूसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब हम लासा ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इनको इसलिए तोड़ रहा है कि इनकी जो संख्याएं हैं वो सेम संख्याएं, जब अलग अलग संख्या होती है तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये हमने एलसीएम ले लिया, ये और ये कैंसिल हो गए, इनका इनका गुणा किया तो ये बन गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो दो बार बन जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 * अंडर रूट 5 * अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 * अंडर रूट 5 * अंडर रूट 3 बटे नीचे वाला a प्लस b और a माइनस b का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर 2 * ab ये आपके प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कैंसिल कर देंगे, अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 8 × 16 ये हो जाएगा 16 बटे 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 * 2 2 * 16 बराबर आ जाएगा 8, तो x प्लस 1 बटे x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बेटा 17वां सवाल है 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यहां पर भी आप हाथ को देख रहे हैं तो हर की संख्या सेम है, बस केवल चिन्ह का अंतर है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हमें डायरेक्ट हल करना है 4 बटे 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 बटे 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगी, इसका बड़ा 4 से कर देंगे तो 4 के 12 अंडर रूट 3 प्लस 4 होंगे 8 अंडर रूट 2, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसका बड़ा 3 से करेंगे तो 3 का 9 अंडर रूट 3 और 3 होंगे 6 अंडर रूट 2, ये और ये सेम है, हम जोड़ सकते हैं 12 और 9 हो गए 21 अंडर रूट 3 और 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2 अंडर रूट 2 बटे पहले पद का होल स्क्वायर 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 21 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 का 9, 9 किया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 21 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बटे, यहां पर घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 27 में से 8 जाएंगे बचेगा 19। इसके बाद हमारे ऊपर सवाल में वैल्यू भी दे रखी है तो वैल्यू का मान रख सकते हैं 21 *
दशमलव सात तीन दो प्लस दो इंटू एक दशमलव चार एक चार बटे 19। इनका इनका मल्टीप्लाई करना है और इसका इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 21 काम करते हैं, एक दशमलव सात तीन दो में 21 का गुणा करेंगे, दो तीन सात एक चार छः चार दो तीन दो सात तीन पाँच और एक छः और यहाँ पर आ जाएगा तीन, तो यह आ जाएगा 36.372 प्लस इससे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.282 बटे 19 हो जाएगा। 8 दो 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 11 एक 12 और 36 और 1 37, 38 एक 39, 39 बटे 19 इसका भाग दे देंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 बचेगा 1.9, अंक का लिया दो का तो फिर 12 भाग दिया रहा भाग नाइस में दी फिर 0 बना ली, 19 खाना 95 19 छक्का 114, यहाँ पर बचे हमारे 6 फिर 0 बना ली, 19 किया 57 लगभग आंसर आ जाएगा 2.063 ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो आंसर हम ये भी दे सकते थे लेकिन यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू ले रखी तो वैल्यू का मार्क कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर 18वें सवाल में दिया है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस अंडर रूट 15। तो जैसे इसकी दोनों की संख्या दे रहे हो दोनों की हर अलग अलग संख्या दे रखी है तो यहाँ पर हमें अलग अलग करके तोड़ना पड़ेगा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसमें हम संयुग्म में गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का, तो जो संयुग्म में गुणा करेंगे ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बटा ऊपर वाला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माने अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 अंडर रूट 2 का वर्ग 2, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 बटे 1 बराबर 3 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 ये हमारे पहले नंबर की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे नंबर की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 प्लस अंडर रूट 15 इसमें संयुग्म गुणा करेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 15 4 माइनस अंडर रूट 15 तो पहले इसका गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 3 फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 बना 75 और 15 किया 45 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 75 के फैक्टर कर लेंगे तो 25 से 75 तो 5 अंडर रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा केंद्र का 9 9 बना 45 ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 बटे 4 को 16 माइनस 15 4 अंडर रूट 5 और 3 अंडर रूट 5 4 में से 3 चले गए 1 अंडर रूट 5 बचा और यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 में ये 5 अंडर रूट 3 है तो माइनस के अंडर रूट 3 बचा बटे 16 में से 15 चले गए 1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ये दूसरे नंबर की वैल्यू निकल रही है। अब हम सबसे पहले सवाल को करेंगे, सवाल आपके पास दिया था कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 4 प्लस अंडर रूट 15 जिसमें से इसकी वैल्यू मिली थी 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस इसकी वैल्यू मिली है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब हम इसके मान को रखते हैं यार पहले वैल्यू को तोड़ लेते हैं, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस
तो ये हमारा मान निकल आया। अब इसमें हमें मान रखना है 5 + 2 × √6 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें √2 और √3 का गुणा करना पड़ेगा, जिसका गुणा आ जाएगा 1.414 और इसका हो जाएगा 1.732। तो इनका जो गुणनफल है 1.414 × 1.732 और माइनस √5 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2.236 और प्लस इसकी वैल्यू है 1.732। इस प्रकार से हम इनको सब कुछ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनका हम आंसर निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने 5 + 2 × 1.414 = 1.32 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4.898096 और ये माइनस किया ये प्लस किया, फिर ये प्लस की संख्याओं को हमने जोड़ा तो जोड़ने पर हमारा इतना आया माइनस इतना, इस संख्या से इतना घटा दिया तो बराबर आ गया 9.394096। हमें दशमलव के तीन स्थान पर लेना है, दशमलव के तीन स्थान के लिए 9.394, इसके आगे का अंक जीरो है तो वो अपने आप में नहीं जोड़ सकता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 9.394।